हेलो गाइस, मेरा नाम है रक्षित और आप देख रहे हैं रक्षित तिवारी के ब्लॉग्स। गाइस, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जयपुर द पिंक सिटी के फाइनल और लास्ट ब्लॉग में, और अभी मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जयगढ़ और नाहरगढ़ के लिए ही जाता है, और आप रास्ते की खूबसूरती देखिए, रास्ता बेहद खूबसूरत है। इसी तरह ये रास्ता जाता है, करीबन 10-12 किलोमीटर का ये रास्ता है पूरा, शायद 8-10 भी हो सकता है, मेरे को इतना एग्जैक्टली नहीं राउंड फिगर में आइडिया है। और जो भी मतलब इस जैसे इस रास्ते पे हम जा रहे हैं और या जो भी गाड़ियां सामने से आ रही हैं, ये बेसिकली बस वही लोग हैं जो जयगढ़ फोर्ट या नाहरगढ़ फोर्ट गए हैं, बिकॉज ये रास्ता वहीं पे जाके ख़त्म होता है। और इसका मतलब और कोई ऐसा मतलब जो भी इस रास्ते पे जा रहा है, इसका मतलब वो जयगढ़ या नाहरगढ़ फोर्ट ही गया है, वो कहीं और, बिकॉज ये रास्ता वहीं जाके ख़त्म हो जाता है। और आप वादियाँ देखें, कितनी बेहतरीन वादियाँ हैं यहाँ की, खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते के, और मतलब और भाई साहब क्या ही बताया जाए, जो चीज़ आप आंखों से देखते हो ना, वो चीज़ कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छे से। हालांकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अच्छा भी होगा तो भी वो इतना मतलब आपको वो, बिकॉज आप उस जगह मौजूद होते हो तो आप फील भी लेते हो और आप व्यू भी लेते हो, दोनों चीज़ें लेते हो। खैर छोड़िए, तो बेसिकली ये रास्ता जाता है, मैंने जैसा आपको बताया, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, हम भी उसी तरफ को बढ़ रहे हैं। तो आप मजे रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और अभी आपको थोड़ी देर में हम लेके पहुंचते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। तो गाइस, ये हम थोड़ा सा रास्ते में एक जगह पर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था सिटी का, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हमें भी लगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और एक क्लिप शूट करनी चाहिए, थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, और मतलब यहाँ पर एक ताई भुट्टे बेच रही थी, तो हमें भी लगा सब लोग भुट्टे खरीद के खा रहे थे, हमें लगा हमें भी खाना चाहिए, तो हमने भी यहाँ पर खड़े होकर मतलब पहले तो कुछ फ़ोटोज़ खींचे और फिर हमने भी यहाँ पर भुट्टे खाए, और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए। शहर काफ़ी हरा भरा दिखता है यहाँ से, और मतलब खूबसूरती तो अल्टीमेट है ही। तो अब हम यहाँ से एंट्री कर लिए हैं अपने नाहरगढ़ फोर्ट में। कार की एंट्री लगी 50 रुपये, जो कि 2 घंटे के लिए वैलिड थी। ये चीज़ लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक बार का मतलब 2 घंटे से ऊपर अगर हो जाता है तो कार का आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। ये हम एकदम इंटर किए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, यहाँ का छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये राजा का रथवत रखा हुआ है, आई डोंट नो ये रियल है फेक है, बस रखा हुआ था, अच्छा भी लग रहा था। और मतलब कि ये बेसिकली एक फुटपाथ या कॉरिडोर या इसको आप जो भी कह लें, काफ़ी खूबसूरत था, मतलब एंट्री तो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख भी सकते होंगे। और मतलब लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर के आते हैं यहाँ पर इसी वजह से, एंजॉय वगैरह करने, मतलब उसी रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में बैठे खाते हैं, लोकल लोग भी एंजॉय करने आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, कैमरे की निगरानी में, कैमरे की नज़र में है, बिकॉज लोग यहाँ पर आते हैं गंदी गंदगी फैला देते हैं, पैकेट वैकेट इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि बेसिकली बहुत गलत चीज़ है। ये यहाँ की बावली है या राजा का नहाने का तालाब वगैरह कह लीजिए, एरिया वाइज काफ़ी बड़ा था, मेरी पर्सनली पानी से बहुत फटती है, तो मैं इस वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा था। अब हम बढ़ते हैं फोर्ट की तरफ। ये है बेसिकली फोर्ट हमारा, और इस फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था, मतलब इसका ओरिजिनल नाम सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसको नाहरगढ़ फोर्ट कर दिया गया। और ये एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है जयपुर का, जो कि मैंने आपको बताया, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, मतलब पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, अपना वैकेशन इन्जॉय करने आते हैं, और कैफेटेरिया रेस्टोरेंट पर खाना पीना खा करके जाना, ये यहाँ का मतलब एक मेजर अट्रैक्शन यही है। ये बेसिकली फोर्ट की एंट्री है। अच्छा, फोर्ट की टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की होती है, और ये थोड़ा सा मैनिपुलेट हो सकती है, मतलब आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है 9 से 5 हो। तो ये व्यूज़ जब आप देखते हो, या ये व्यू जब मैंने देखा, तो मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ राजा महाराजा टाइप, मतलब राजा महाराजाओं ने जो अपनी आंखों से कभी देखा है, जो कभी मतलब वो चले हैं इस रास्ते पे, तो आज हम भी वो चीज़ देख पा रहे हैं, वो चीज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ तक आने के लिए उस ज़माने के लोग बहुत मतलब मेहनत लगती होगी उनको, या वो शायद कभी आ भी नहीं पाए होंगे। तो मतलब जो यहाँ का एवरेज व्यू टाइम आपको लगने वाला है, वो करीबन 3 से 4 घंटे लगने वाला है, बिकॉज़ ये महल एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भूल भुलैया टाइप सा भी है। अगर जगह जगह बोर्ड ना लगे हों या स्टाफ के लोग आपकी हेल्प करने के लिए ना खड़े हों, तो आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसे कि हम भी हो गए थे। लेकिन
जैसा कि होता है ऐसे जगह पर लोग एक दूसरे को फॉलो करते करते पड़ जाते हैं। ये बेसिकली वो कमरे वगैरह हैं जहाँ कभी रानी महारानी बैठती होंगी या राजा वाजा अपनी मतलब राजा वगैरह अपनी मीटिंग करते होंगे या सभा वगैरह करते होंगे। पुराने पुराने से डिज़ाइन है, मोटी मोटी सी दीवारें हैं, अंदर ठंडक काफ़ी ज़्यादा थी। इतनी ऊँचाई पर होने के बावजूद हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, जबकि धूप ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी। और ये सब पुराने पुराने से डिज़ाइन देख करके काफ़ी मतलब ऐसा फील आता है कि राजा महाराजा यहाँ टहलते होंगे, सैनिक लगे रहते होंगे, दरबारी खड़े रहते होंगे। ये बेसिकली छत का रास्ता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम छत पे भी जाके देखेंगे, बिकॉज हम आए हैं तो पूरा एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए लोगों ने कैसे थूक थूक के कोने को ख़राब कर दिया, मतलब इतने बेअगल, इतने बदतमीज़ लोग हैं अपने भारत के कि उनको क्या बताया जाए। अपने देश की धरोहर मतलब अपने देश के मॉन्यूमेंट्स में उनसे संभाले नहीं जाते, और ऐसे लोगों पर जो पेनल्टी लगती है बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इस टाइप की पेनल्टी। अच्छा छोड़िए, ये बेसिकली ऊपर का टेरिस टाइप का है एक, और मतलब अभी प्रॉपर हम छत पे नहीं पहुँचे हैं, ये गैलरी टाइप की है। मतलब ये कोई गाइड वगैरह था, किसी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए जा रहा था, और हमने भी डिसाइड किया कि अब हम प्रॉपर पूरा छत पे जाएंगे। तो जो हमारा अमाउंट था वो करीबन 50 रुपये हमको मतलब एंट्री फीस भी देनी पड़ी थी यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और ये महल राजा सवाई सिंह ने महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, जो कि 1784 में बनवाया था, और मतलब उनको किंग ऑफ जयपुर भी कहा जाता था। ये शायद तोप की कुछ असेंबलीज़ रखी हुई हैं यहाँ पे, युद्ध वगैरह के दौरान इनको यूज़ किया जाता होगा ऐसा मैंने सोचा है, बाकी मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है और क्यों रखा हुआ है। और यहाँ से आसपास के अट्रैक्शन कनक मंदिरवन, जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल और जल महल भी है। ये बेसिकली छत मतलब छत का व्यू है, जो आपका फोर्ट है वो छत से मतलब छत से देखने में कैसा लगता है। और भाई साहब असली व्यू तो ये है हमारी सिटी जयपुर। तो अब आप देख सकते होंगे इस वीडियो में जहाँ तक दूर तक आप देख पा रहे हैं वहाँ तक आपको सिर्फ सिटी नज़र आ रही है, सिटी। अब मेरे को वैसे तो इतना ज्योग्राफिकल आइडिया नहीं है कि उसका जयपुर सिटी का क्या एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने घर वगैरह हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 75% आप इस जगह से कवर कर लोगे। 75% सिटी तो इस जगह से कवर हो ही जाती होगी, बिकॉज ये जयपुर का सबसे टॉप नॉच प्लेस है। और ये देखिए भाई साहब सिटी यही है। अब मैं आपको फिर से बोलूँगा, कैमरे में वो चीज़ नहीं आती है जो आप आँखों से देखते हो, वहाँ पे तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, और ये मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ घर ही घर थे। तो अब जयपुर सिटी कितनी बड़ी हो सकती है एरिया वाइज, या जितनी भी बड़ी हो, मेरे को ऐसा लगता है कि 75% आप इस जगह से कवर कर सकते होगे, या मोर देन 75% सिटी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। और इस महल को डिफेंस रिंग भी बोला जाता था, मतलब इस वजह से, बिकॉज ये देखिए एक वॉल सी इन्होंने बना रखी है बीच में, वो जनरली इसीलिए कभी युद्ध वगैरह हो तो आप मतलब बच जाएं उनसे, किससे, अपने दुश्मनों से। तो इसी के साथ अब हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट। ये बेसिकली जयगढ़ फोर्ट है, और ये 1558 में बनवाया था राजा मानसिंह वन ने, जो कि कंप्लीट हुआ था 1592 में। इसको बनाने के लिए हमारा रेड एंड वाइट मार्बल स्टोन्स यूज़ हुए थे, रेड स्टोन मार्बल जिसको बोल सकते हो आप, वो यूज़ हुआ था। अच्छा एंट्री का यहाँ बताऊँ तो यहाँ पे 150 रुपये एंट्री फीस थी एक आदमी की, कार की एंट्री अलग से थी। ये क्या लिखा हुआ है, जयगढ़ सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स। ये किसी और चीज़ के लिए लिखा होगा सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स, बिकॉज महल तो काफ़ी पुराना है। तो खैर छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक वापस आते हैं। 150 रुपये हमें एंट्री फीस लगी पर पर्सन, मतलब दो लोगों के बीच में 300 रुपये, और अगर आप कार लेके अंदर जाते हो तो उसकी एडिशनल फीस थी, मतलब कार भी आप अंदर ले जा सकते हो ऐसा यहाँ पर था, और उसका एडिशनल चार्ज आपको पे करना पड़ता। लेकिन हमने वो ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं तो हमें उसे एक्सप्लोर ही करना चाहिए। एक फोर्ट का एवरेज जो लेंथ और विड्थ वाइज एरिया जो होता है वो अराउंड 3 to 4 kilometers होता है, तो आप थोड़ा तो टाइम मैनेज करके आओगे ही अगर आप घूमने आए हो तो। बाकी मैं ये नहीं कहता, सबके अपने अपने इशूज़ होते हैं, कुछ लोगों को फिजिकल इशूज़ होते हैं, चलने वगैरह में दिक्कत होती है, तो ठीक है, वो अपनी प्रायोरिटी है। तो टाइमिंग यहाँ की भी भाई 10 से 5 है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे 9 से 5 हो सकता है। ये दादी अम्मा यहाँ टहल रही थी, मैं भी यहाँ रहती होंगी शायद, बिकॉज जो इनका आउटफिट है, जो बर्तन वगैरह लिए हैं, खैर उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने उनको ऐसे ही ले लिया क्लिप में। फॉरेनर्स की फ़ीस 200 रुपये है, नारगढ़ फोर्ट में भी करीबन 350 रुपये थी। और मतलब कि इसको मतलब बोलते हैं कि ये सबसे प्रोमोन्ट्री, मतलब जो इसका जो मतलब जहाँ पे ये बना हुआ था वो बेसिकली चील का टीला उसको बोलते हैं, हिल ऑफ ईगल्स। यहाँ पे कभी चील वगैरह काफ़ी रहती होंगी, अब जिस तरह से नाम रखा है तो सेंस यही निकलता है। और ये बेसिकली पोर्च वगैरह है, मतलब पोर्च बोल रहा हूँ इसको, फुटपाथ वगैरह है यहाँ से आपको जाने के लिए। और इससे भी ऊपर जो है वहाँ पे जयवाड़ तोप रखी हुई है, वो यहाँ वो इस फोर्ट का टॉप का जो है वो
एरिया है, मतलब प्लेस है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते इस फोर्ट में। तो फिलहाल तो मतलब जो भी है वो जयगढ़ फोर्ट यही है इतना, और ये यहाँ का बावली कह सकते हो आप जो भी है, पत्थर पहाड़ वगैरह काट के बनाया गया जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें बंदर मामा टहल रहे हैं वो देखिए। पानी वगैरह तो इसमें नहीं था उतना, या शायद बारिश होती हो तो भर जाता हो, आई डोंट नो। ये हम आ गए हैं, सामने से चढ़ते हुए हम आए थे, अब आ गए हैं हम ऊपर, ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से देखने में लगता है जयगढ़ फोर्ट ऐसा, मतलब अंदर से तो इतना ही है ये जो भी है, 2.5-3 किलोमीटर का एरिया कवर करता होगा। अच्छा, ये डाउट मेरे मन में था, झंडा किस चीज़ का है और क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ये तो अलग की बात है किस चीज़ का, ये मेरे को नहीं पता था। आप में से किसी को पता हो, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि झंडा किस चीज़ का है। ये यहाँ से सिटी का दूसरा व्यू था जो कि आप जयगढ़ फोर्ट से ले सकते हो। ये व्यू उतना बेहतरीन नहीं था जितना उसमें नाहरगढ़ फोर्ट से आता था, और ये सब डिज़ाइन पता नहीं, मैंने जो गेस किया था वो ये था कि जब सामने से हमला होता होगा तो यहाँ ही से बंदूक लगा करके सामने शूट कर लो, इस टाइप का कुछ सीन, बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है सिर्फ डिज़ाइन ही हो। एक किला और भी था जो यहाँ से दिख रहा था लेकिन उसको हम कवर नहीं कर पाए, हमारे पास थोड़ा टाइम का भी कमी था। और ये है बेसिकली जयवाड़ तोप, ये जयवाड़ तोप है, इसी के लिए जयगढ़ फोर्ट जाना जाता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन थी, मतलब तोप थी, जो कि अर्ली मॉडर्न एरा की, मतलब अर्ली मॉडर्न एरा की ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन थी। और इसको यहाँ पे ऊपर ला करके असेंबल किया गया था हाथियों से, हाथियों के थ्रू और रस्सियों के थ्रू। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है, जैसे इसकी लंबाई, इसका वेट, इसका कैरिएज वगैरह, ये सब। और लेकिन इस तोप का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, इस तोप को सिर्फ ट्रायल के लिए एक बार चलाया गया था, जिसमें इसने करीबन 35 किलोमीटर का एरिया कवर किया था और इसमें करीबन 100 केजीज ऑफ गन पाउडर यूज़ हुआ था उस टाइम पर जब इसको ट्रायल के लिए यूज़ किया गया था। अच्छा, इसको यूज़ कभी इसलिए नहीं करना पड़ा बिकॉज आमेर के जो रूलर्स थे उनका फ्रेंडली रिलेशन था मुगल्स के साथ, तो उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब जैसे इसका जो तोप का जो मुँह है उस पर लोटस का कुछ डिज़ाइन वगैरह है, इसका बैरल जो है उस पर एलिफेंट्स और पीकॉक का डिज़ाइन है, मतलब अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं, ऐसा उस बोर्ड पे लिखा हुआ था जो भी थोड़ी देर पहले आया, आप बहुत सारे पढ़ सकते हो। ये जयगढ़ फोर्ट का है प्रॉपर, मतलब टॉप का एरिया, इससे ऊपर आप जयगढ़ फोर्ट जाओगे तो नहीं जा सकते इससे ऊपर, बस यही है जो भी है। यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत था, लोग इन्जॉय कर रहे थे, और यहीं पर आपकी जयवाड़ तोप रखी हुई है। वैसे तो जयवाड़ तोप का जो वेट है वो 50 टन का बताया जाता है कि 50 टन का वेट है इसका, इसका बैरल करीबन 21 फुट लंबा है, लंबाई करीबन कुछ जगह पर आपको 6.5 मीटर की दिखते को मिलती है और कुछ जगह पर आपको 31 फीट मिलता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है अल्बर्ट म्यूज़ियम, अल्बर्ट हाउस म्यूज़ियम। अब बेसिकली ये म्यूज़ियम का थोड़ा सा मैंने नेट पे देखा कि इसके अंदर क्या है, तो इसमें भाई राजा वगैरह जो कारपेट यूज़ करते थे, जो कुछ स्कल्पचर्स थे, कुछ मूर्तियाँ, कुछ बर्तन वगैरह, यही सब इसके अंदर था। तो हमने इसके अंदर जाना सही नहीं समझा बिकॉज मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू भी था, मैं नहीं, मेरी तबीयत सही थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो बेसिकली जयपुर की, जयपुर जंपिंग सिटी की लास्ट क्लिप में मैंने इतना ही कवर किया, या मैं इतना ही कवर कर पाया, मेरे पास टाइम की कमी थी। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, थैंक यू एंड लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो ये आज मेरा लास्ट स्टे है जयपुर में। फीवर होने के बावजूद मैंने आपको काफ़ी कुछ घुमाने की कोशिश की और एक ब्रीफ में घुमा भी दिया है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी वहाँ जाते वक्त, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मेरा ब्लॉग थोड़ा सही रहे, गड़बड़ ना हो, इस वजह से मैंने मतलब ऐसे ही रफ वीडियोस बना दिए हैं, उन पर कोई मेरा ऐसा आवाज़ नहीं है। मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर डाल दूँ उसमें, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखो, मैं एकदम मतलब एकदम ये वॉल के सामने खड़ा हूँ और मोबाइल को इस पर ऐसे करके पकड़े हुए हूँ, बिकॉज मतलब मैंने पंखा भी रूम का बंद कर रखा है, एसी भी बंद है, पसीना आ रहा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एक बार अच्छे से पसीना आ जाए तो अगर आपको स्वेटिंग हो जाए बॉडी से तो बुखार हल्का हो जाता है। दवा रखी हुई है, देखिए ये देखिए दवा रखी हुई है, सब खा पी करके मैंने अभी थोड़ा सा व्लॉग बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं है, लेकिन मतलब मैंने आपको थोड़ा सा जयपुर जैसे हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर का फोर्ट, ये चार चीज़ें मैंने अभी कवर की हैं इसमें, ठीक है।
तो इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि घूमूं मैं। एक कुछ और भी था, एल्बर्ट हाउस म्यूजियम टाइप का कुछ। मैंने हवा महल के अंदर जाने की कोशिश नहीं की बिकॉज अंदर कुछ नहीं है। बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं नेट पे, आप देख सकते हो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि जैसे कि आप नाहरगढ़ फोर्ट या आप आमेर के फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग अलग अलग है। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा छूट है। आप अपना किसी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसा जिससे आप प्रूफ कर सको कि आप स्टूडेंट हैं, आप मतलब अपने पैसे बचा सकते हैं। और आपके आईडी कार्ड पे टेन्योर लिखा होना चाहिए, मतलब कौन से ईयर से कौन से ईयर तक की। वो ईयर अगर नहीं मेंशन होता है तो मतलब वो जनरली छूट देते नहीं हैं। आप पता नहीं है क्या है, मेरे साथ तो यही हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा स्टूडेंट कार्ड लगाने की कोशिश की थी अपने, लेकिन उनका मतलब ये था कि आपका ईयर नहीं मेंशन है कार्ड पे, तो इस वजह से जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लास्ट में पूरा पे करना पड़ा अपना। आमेर का फोर्ट का टिकट था 150 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन, मतलब दो लोगों के लिए। दो लोगों के लिए 300 रुपये। और जो नाहरगढ़ का फोर्ट का टिकट था वो शायद 50 रुपये पर पर्सन था, और मतलब 25 रुपये शायद स्टूडेंट के लिए था, 50 रुपये एडल्ट के लिए, मतलब समझ रहे हैं आप, जो स्टूडेंट नहीं है उसके लिए। तो गाइस, ऐसे ब्लॉग्स के लिए आप मतलब बने रहिए हमारे चैनल पे। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वाले में, तो बहुत मेहनत की है। बिल्कुल बॉडी साथ नहीं दे रही थी और बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा कवर करने के लिए, ताकि मेरा ब्लॉग उतना ना गड़बड़ हो, और आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ पे गया। तो इतनी मेहनत के लिए और इतना मतलब इस सिचुएशन में होने के बावजूद मैं वहाँ गया, तो एक लाइक तो बनता है प्लीज़ मेरे लिए। और एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इसी टाइप के ब्लॉग के लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड लव यू ऑल।